अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक ड्रीमवीवर ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं अब्दुल वली। दोस्तों, कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि कभी इंसान के जहन से निकल जाती है और फिर जो है याद आ जाती है। तो इस तरह की अगर कोई इंपॉर्टेंट बातें या चीज़ें मेरे जहन में आती रहती है ड्रीमवीवर की इस ट्रेनिंग के दौरान, तो मैं आपको बताता जाऊँगा डिफरेंट लेसन्स में। जैसे कि एक बात मुझे याद आई कि ड्रीमवीवर के अंदर जो है हम एक वेबसाइट जब क्रिएट करते हैं तो वो हम ऑफलाइन क्रिएट करते हैं, कि अपने कंप्यूटर के अंदर ड्रीमवीवर में एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उसको एक फ़ोल्डर में सेव करते हैं। उस वेबसाइट का अपना फ़ोल्डर होता है और उसके बाद हम उसको अपलोड करते हैं इंटरनेट के अपने ऑनलाइन वेब सर्वर पे। हम अपने ऑनलाइन वेब सर्वर को भी कनेक्ट कर सकते हैं ड्रीमवीवर के साथ। तो ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि हम वेबसाइट को ऑनलाइन वेब सर्वर पे किस तरह अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। चूँकि आल इन आल आफ्टर आल इन आल मैं भी इंसान हूँ, मैं भी बातें भूल जाता हूँ और कुछ जो है चीज़ें जिनसे निकल जाती है फिर याद आ जाती हैं। तो दैट्स वाई साथ ही साथ इसको लेकर चलेंगे। ड्रीमवीवर वही पर मेरे पास ओपन है जो पिछली वीडियो में इसको मैंने जो है यही पर छोड़ दिया था। तो यहाँ पर ये ओपन है और हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है इसको डिस्कस करेंगे। ये साइड में छोटे छोटे बहुत हल्के हल्के ऑप्शन है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें ये पहला वाला जो है ये तो ओपन डॉक्यूमेंट का है, जो है ये आपको ये बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट इस वक्त ओपन है इसकी क्या, इसका एड्रेस क्या है, क्या लोकेशन है इसका। ठीक है जी। तो ये तो दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये अभी एक और ऑप्शन भी है शो कोड नेविगेटर, लेकिन ये एक दूसरे ऑप्शन से रिलेटेड है। जब उस पर उस वो ऑप्शन एक्टिव होगा तो फिर ये भी काम करेगा। लेकिन इससे नीचे आके यहाँ पर एक और ऑप्शन है कोलैप्स फुल टेक प्रेस अल्टर की। ठीक है जी। लिखा हुआ है कि प्रेस अल्टर की टू कोलैप्स आउटसाइड टैग, यानी कि टैग्स को ये कोलैप्स करता है। ठीक है, यानी कि कोलैप्स, जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया हुआ है, ठीक है, हेड टैग पे। आप इस पर क्लिक करें तो ये हेड टैग जो है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उस सबको इसने कोलैप्स कर दिया। कोलैप्स से मुराद ये है कि वो इसने इसमें छुपा दिया। ठीक है जी। तो अब दोबारा आएंगे तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से, ये एक्सपेंड आल नीचे तीसरा वाला जो ऑप्शन है जो मैं क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा एक्सपेंड हो गए। अब वापस इसको जो है कोलैप्स करना चाहते हैं, यानी कि एक पेरेंट टैग जो होता है मेन टैग, उसके अंदर जो जितने भी छोटे टैग्स हैं, यानी कि उसके स्मॉल टैग्स हैं, तो उनको आप उसमें बंद कर सकते हैं। ठीक है, बस इसको कोलैप्स भी कर सकते हैं, या एक ये एक टैग को वो करना चाहे, जैसे टाइटल का टैग है तो इसको वो करना चाहे, आप कोलैप्स करना चाहे, तो इसकी मदद से कोलैप्स कर सकते हैं। या टैग को कर देता हूँ, बल्कि सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये आप इसको जो है वो कर दिया और एक्सपेंड आल पे क्लिक करें, मतलब जिस जगह पे आप जो है इसको कोलैप्स करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें और इसकी मदद से जैसे उस टैग को आप कोलैप्स कर सकते हैं और वापस एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये आगे ऑप्शन है सेलेक्ट पेरेंट टैग। किसी भी जगह में आप अपना जो है वो कर्सर रखें, तो ये माउस का कर्सर रखें किसी भी जगह पर, तो वहाँ पर उस जितना भी वो सेक्शन है कोड्स का, ठीक है, उसका पेरेंट जो टैग है वो अगर आप मालूम करना चाहे तो डायरेक्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करें। पेरेंट टैग से मुराद ये होती है कि जो मेन टैग होता है जिसके अंदर बाकी तमाम टैग जो है वो इंसर्टेड है। मिसाल ये है कि जो यहाँ का हमारा हेड सेक्शन है, ठीक है, इसमें पेरेंट टैग जो है हेड है, ठीक है, और इसी के अंदर ये मेटा टैग जो है ये इंसर्ट हुआ हुआ है, टाइटल टैग जो इंसर्ट हुआ हुआ है, ठीक है, इस तरह के टैग जो है, और इसके बाद जो है पेरेंट टैग बॉडी है, बॉडी के अंदर जो है ये सब तमाम चीज़ें जो है वो इंसर्टेड है। तो अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करते हैं और पेरेंट टैग को मालूम करना चाहते हैं सेलेक्ट पेरेंट टैग, तो क्लिक करें और इसका पेरेंट टैग ये है, क्योंकि मैं टेक्स्ट के अंदर मैंने जो है वो क्लिक किया हुआ था तो इसने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, अब आते हैं दोबारा पे क्लिक करें, सॉरी यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो इसने जो है ये बॉडी को जो है पेरेंट टैग है तो इसको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसके बाद एक और ऑप्शन है इसमें बैलेंस ब्रेसेस, ये कोई इतना ख़ास नहीं है, जस्ट ब्रेसेस को बैलेंस करना हो तो वो कर सकते हैं आप, यानी कि एक ही लाइन में लाना चाहो। उसके अलावा एक और ऑप्शन है इसके अंदर हाईलाइट इनवैलिड कोड, ये इसलिए इस्तेमाल होता है अगर कोई इनवैलिड कोड जो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो इनवैलिड कोई कोड होगा तो वो आपको ये शो करेगा। ठीक है, बाकी हम इनसे जो है ये चेक्स वापस हटा देते हैं। अब सॉरी, यहाँ पर जो ये लाइनिंग नंबर है ये एक और ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये लाइनिंग नंबर हट गई। अब आप इस पे इसको एक्टिव क्लिक करेंगे तो ये लाइनिंग नंबर जो होते हैं जैसे कि आप इंटर करते हैं लाइनिंग नंबर जो है बढ़ जाते हैं, तो ये लाइनिंग नंबर्स भी जो है बड़े ज़रूरी होते हैं, तो ये नज़र आएंगे। अदरवाइज़ अगर आप इससे चेक हटा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ये भी एक ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, हाईलाइट इनवैलिड कोड में जो है आपको इनवैलिड कोड नज़र आएगा,
उसके अलावा रेप, वर्ड रेप में ये होता है कि जो आप इसे अगर चेक हटाएंगे तो ये जितना भी एक एक लाइन में जितना भी लंबा कोड होगा वो इसी तरह आगे जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है नज़र नहीं आएगा। और बीच पे चेक लगा हुआ है तो ये कोड जो है एक एक लाइन में आप कोड लिख रहे हो, साथ में कोई टेक्स्ट कोई कंटेंट वगैरह लिख रहे हो, तो वो यहाँ पर ये जगह ख़त्म हो जाती है तो फिर नीचे आ जाते हैं, यानी कोलेप्स हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसे हटाएंगे ये, तो ये देखो ये लाइन जो है ये यहाँ पर एक ये बन जाएगा कर्सर, यहाँ पर आप इसको लेकर जा सकेंगे, सॉरी ये स्क्रॉल बार यहाँ पर बन जाएगा। अब जो भी आप लिखेंगे तो आगे यहाँ पर जो है चुपता हुआ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी इस पर वर्ड रेप पे, तो ये आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा कमेंट इंसर्ट करना चाहे तो यहाँ पर रिप्लाई कमेंट्स का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे रिप्लाई HTML कमेंट, जस्ट क्लिक करें HTML का कमेंट यहाँ पर आ जाएगा कमेंट लिखने के लिए, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। कमेंट जो है ये आपके ब्राउज़र पे नज़र नहीं आता, यहाँ मैंने लिखा कंट्रोल एस किया सेव किया, यहाँ पर मेरे पास वही जो है फाइल ब्राउज़र में मौजूद है, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर नज़र नहीं आएगा कमेंट। कमेंट बेसिकली जस्ट तबसरा होता है, एक डिज़ाइनर दूसरे डिज़ाइनर को इशारा देता है कि यहाँ पर क्या करना है या क्या हुआ था। तो कमेंट्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, अगर सिंगल कमेंट हो तो जस्ट ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें अप्लाई HTML कमेंट्स, मल्टीपल लाइन के कमेंट्स हो तो फिर ये वाला सिंटैक्स यूज़ करें CSS वाला, ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन HTML में तो आप जस्ट ये सिंपल जो है कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कमेंट, यानी इस तरह का कि यहाँ ब्रैकेट होता है फिर ये एक्सक्लेमेशन का साइन होता है फिर डबल डैश और उसके अंदर लिखते हैं और यहाँ से क्लोज करते हैं। ये दूसरा जो सिंटैक्स है ये CSS का है, ठीक है। तीसरा वाला जो है जावास्क्रिप्ट का है और ये चौथा वाला जो है ये PHP का, सॉरी किसी और लैंग्वेज का है, ठीक है जी। तो ये कमेंट अगर आप रिमूव करना चाहें तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कमेंट को रिमूव करने का भी, ये रिमूव कमेंट का क्लिक करें, बल्कि यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो कमेंट रिमूव हो गया और जस्ट सिंपल टेक्स्ट रह गया, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं। बाकी ये कुछ ऑप्शंस है ये ज़्यादा यूजेबल नहीं है, मैंने यूज़ नहीं किए खुद कभी। उसके अलावा यहाँ पर ये जो एरिया है इसको भी हम चेक कर लेते हैं कोड में, जैसे शुरू में आपको मैंने कहा था कि अगर ये चूँकि स्प्लिट विंडो होती है, अच्छा यहाँ से ये विंडो आप रिसाइज भी कर सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि ये जो व्यू नज़र आ रहा है जो डिज़ाइन व्यू नज़र आ रहा है इसको आप थोड़ा बढ़ाना चाहें तो यहाँ से जस्ट आ जाए, यहाँ पर अपने माउस का कर्सर लेकर आए और जब ये डबल तीर बन जाए तो फिर इसको अपने माउस की मदद से या अपने लैपटॉप के उस बटन की मदद से इसको ड्रैग करें यहाँ तक, ठीक है। तो ये बढ़ता जाएगा इस तरह, ठीक है जी, इस तरह छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये मूड्स है कि आप इस वक्त स्प्लिट जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको कोड भी नज़र आ रहा है और ये भी नज़र आ रहा है डिज़ाइन भी नज़र आ रहा है। अगर आप सिर्फ कोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा कोड नज़र आ जाएगा, स्प्लिट पे दोबारा स्प्लिट हो जाएगा, डिज़ाइन पे सिर्फ आपको डिज़ाइन नज़र आएगा, आप सिर्फ डिज़ाइन करना चाहते हैं। लाइव कोड पे जो है आपको सारा कोड जो है ये लाइव नज़र आएगा कि ये कोड जो है किस तरह वो है, तो इसमें लाइव कोड नज़र आएगा। इसके लिए एडोब फ्लैश जो है वो इंस्टॉल करेंगे तो फिर जो है ज़रा अच्छा होगा, लेकिन इसको इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। वापस लाइव से हटा देते हैं, लाइव व्यू जो है वो आप देख सकते हैं, ये लाइव व्यू आपको नजर जैसे कि इंटरनेट पे नज़र आती है उस तरह आपको ये शो करेगा, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल ये इंस्पेक्ट एलिमेंट जो है ये कुछ अच्छा ऑप्शन है जिस पे हम क्लिक करते हैं तो ये जो है जिस जगह पे आप माउस का कर्सर लेकर जाएंगे उसका कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ गया हूँ ऊपर तो इसने इस हिस्से को सेलेक्ट कर लिया, जिस मैं माउस लेकर जाता हूँ मैं कोई क्लिक नहीं करता कुछ भी नहीं करता तो सारी चीज़ें जो है उसको सेलेक्ट कर लेता है, वापस उस पर क्लिक हटा देता हूँ तो ये इंस्पेक्ट व्यू से जो है हट जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर चूंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रीव्यू में हम जो है ब्राउजर्स में इसको देख सकते हैं जो काम हमने किया हुआ है, उसके अलावा यहाँ पर ये विजुअल एड्स का ऑप्शन है, इसमें अगर CSS कुछ ऑप्शंस है बाय डिफॉल्ट चेक लगे हुए, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर इनमें से आप हटा दें तो यहाँ से एक एक ऑप्शन जो है आराम आराम से गायब होता जाएगा, तो इसको आपने छेड़ना नहीं है, इसको इसी तरह ही रखना है, ठीक है जी। अब हाइड ऑल करेंगे ना तो यहाँ से देखो तमाम जो ऑप्शंस थे CSS के वो सबके सब हाइड हो गए। अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस दोबारा नज़र आ गए। तो दैट्स ऑल, ये चीज़ें जो है ये CSS की प्रॉपर्टीज़ और मॉडल बॉक्सेस वगैरह ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती है। एक चीज़ और जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आती है इसको तो हम डिस्कस करेंगे क्लास में वन बाय वन, एक एक चीज़ इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो HTML का आपका कोड नज़र आ रहा होता है इसमें कहीं पर भी आप क्लिक करें तो ये प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि ये यहाँ पर डिफरेंट जो सेक्शंस है
या डिफरेंट जो कंटेंट होते हैं आपके HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर, उससे रिलेट करते हैं कि अगर आप एक पिक्चर आपके पास यहाँ पर मौजूद है उस पर आप क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, एक पैराग्राफ है तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, एक जो है लिंक है तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसको जानने की इस चीज़ को जानने के लिए आप यहाँ पर, मैं ऊपर क्लिक करता हूँ ये मेटा टैग के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। प्रॉपर्टीज़ से मतलब होता है खसूसियात, एक चीज़ की खसूसियात, यानी कि हम उसमें कितनी और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, उसकी कितनी खसूसियात जान सकते हैं। तो मेटा में आपने देखा कि यहाँ पर ये इसका वैल्यू, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। वैल्यू क्या है इसकी जनाब, ये है कंटेंट टाइप, उसके अलावा जो है इसकी कंटेंट आ गई, कंटेंट भी ये लिखा हुआ है। आप HTML पे क्लिक करते हैं तो ये HTML में तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी जो है डिक्लेरेशन है HTML डॉक्यूमेंट की, तो इस पे ये आएगा। आप नीचे में आता हूँ, इस पे ये देखो, ये मैंने क्लिक किया जनाब एक टेक्स्ट के ऊपर जो कि एक्चुअली H2 का टैग है, तो उसके यहाँ पर जो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ आ गई, यानी कि इन तमाम चीज़ों को हम अप्लाई कर सकते हैं इस टेक्स्ट के ऊपर। और यहाँ हमने जस्ट क्लिक किया, ये सारा का सारा सेलेक्ट हो गया, ये भी एक बड़ी हॉबी है। पिक्चर पे हम क्लिक करते हैं तो पिक्चर यहाँ पर, ये पिक्चर सेलेक्टेड हो गई है हमारी डिज़ाइन व्यू में, और पिक्चर के जितने भी ऑप्शन है ये सब आप देख सकते हैं, ये नज़र आ गई। इन सबको हम डिटेल्स के साथ जो है अपने आने वाले किसी वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देट वॉज़ इट, अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको ये वर्क स्पेस के अंदर जो ये मूड्स है, डिज़ाइनर मूड्स और दूसरे मूड्स, इनके बारे में और ये जो एप्लीकेशन बार है इसके बारे में बताऊँगा कि इन एप्लीकेशंस को और ये वर्क स्पेस को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जो हम पैनल्स के ऊपर बात करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और सबसे आखिर में हम जो है फिर ये जो हमारा है मेन्यू, इसको भी डिस्कस करेंगे और आगे हम इसको बढ़ाएंगे, फिर CSS और HTML में काम करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ रहिएगा।